हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखाज लाइफ स्टाइल में। तो गाइज, ये मेरा देखिए किचन कितना मैसी पड़ा हुआ है। तो ये मॉर्निंग का है और मैं मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह बना ली हूँ और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो डेली तो जो मतलब जिस पे खाना वगैरह बनाते हैं, जिस पे गैस वगैरह रखते हैं, वो तो क्लीनिंग हो ही जाती है, लेकिन बाकी के रैक्स रह जाते हैं और डिब्बा इधर उधर, बर्तन इधर उधर हो जाते हैं। और चूंकि मतलब मेरा हो मतलब डेली मैं कर सकती थी, लेकिन बाबू छोटा है, इस वजह से मैं फटाफट से डेली गैस पोछ लेती हूँ, मतलब साफ़ कर लेती हूँ और इसका स्लैब भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन हफ्ते में एक बार अच्छे से रैक्स वगैरह सारे क्लीन कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं ऊपर के सारे डब्बे नीचे कर ली हूँ और मैं नहा ली हूँ, क्योंकि जब बच्चा छोटा हो तो जब मतलब टाइम मिले तभी ये सब काम करना चाहिए। और अभी वो सो रहा है तो मैं सोची, और मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं, तो वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पर किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मेरा आदत है कि कभी किचन क्लीनिंग करूँगी, कभी रूम की क्लीनिंग करूँगी, जैसे जब टाइम मिल जाता है, बाबू सो जाता है, उस टाइम मैं कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले रैक्स को क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं बारी बारी से सारे मतलब रैक्स को क्लीन कर लूँगी। और सबसे पहले मैं सर्फ देकर इसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि तेल के छींटे वगैरह पड़ते हैं, भापन के ऊपर जाता है तो चिपचिपा हो जाता है इसी वजह से। और ये मेरा ससुराल है, ससुराल का किचन है और ये छोटा, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, तो इस टाइप से। और इसमें ना मैं सिर्फ डेली मसाले वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब सामान रखती हूँ, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो स्टोर रूम में रख देती हूँ। तो क्योंकि इसमें इस किचन में रखने पर ना सारे डब्बे गंदे हो जाते हैं जितने भी रहते हैं, इसी वजह से जो डेली का मतलब जो मसाला वगैरह होता है वही मैं रखती हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं सब मतलब दीवार वगैरह को भी अच्छे से क्लीन करते जा रही हूँ और अच्छे से, और महीने में मैं डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ, अच्छे से पूरा पानी देकर ऊपर से नीचे धो देती हूँ, तो अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, जब भी आप किचन क्लीन करो ना, तब पता चलता है कि आपका किचन कितना बड़ा है या छोटा है। मेरा छोटा भी किचन है, लेकिन अच्छा टाइम लग जाता है इसमें। तो इसलिए जब आपका बच्चा छोटा हो ना, तो मतलब एक दिन में सारे काम आप नहीं संभाल सकते, सारी सफाई भी नहीं कर सकते, इसलिए एक एक दिन कर कर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, कभी रूम कर ली सफाई, कभी किचन कर लिया, कभी हॉल कर लिया, इस तरह से तो काम मतलब उसका ये कम पड़ता है। क्योंकि मैं किचन क्लीन करूँगी इतने में ही मैं थक जाऊँगी, फिर बाबू को भी संभालना होता है, इस तरह से बीमार भी आदमी पड़ जाता है, थक भी जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। और हफ्ते में जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तो जो डिब्बे में अगर थोड़े से सामान होते हैं वो मैं निकाल कर धूप में जैसे दाल वगैरह सुखा लेती हूँ, और उस डब्बे को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसमें दाल वगैरह या जो भी रखना हो वो रखती हूँ मैं। तो ये तवा जो डेली बनाने वाला जो तवा है मैं इधर रखी हूँ, और इधर जो डोसा वगैरह बनाते हैं कभी कभी मैं यूज करती हूँ वो इधर रखी हूँ। और ये कुछ डब्बे हैं मतलब बड़े बड़े जो मतलब कभी कभी यूज होते हैं वो मैं ऊपर रख देती हूँ, और डेली वाले मैं बीच में रखती हूँ, और नीचे सिर्फ मेरा चूल्हा रहता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो लगता है कि कैसे घर की क्लीनिंग होगी, कैसे सब काम होगा, लेकिन आप अगर मतलब कुछ सोच समझ कर करोगे ना, टाइम फिक्स कर लोगे, तो सारे काम आपके आराम से हो जाएंगे। और मैं कोई मेड भी नहीं रखती हूँ, मैं घर के सारे काम भी करती हूँ। और आपको अगर मेरा डेयरी का ब्लॉग देखते होंगे तो आप देखे ही होंगे कि मेरे घर में गाय भी है, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें भी हाथ बटा देती हूँ, तो एक बच्चा लेकर मैं ये सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। तो ऊपर वाला मैं रैक साफ़ कर चुकी हूँ और उस पर भी मैं सामान रख दी हूँ, क्योंकि किचन छोटा है और सारा सामान अगर मैं नीचे रखूँगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सामान कहाँ रखूँ, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे कि ऊपर का साफ़ किया, ऊपर के डब्बे रख दी, और जो डब्बे मतलब मुझे क्लीन करना है वो मैं अलग छांट लेती हूँ, और फिर से मैं उसमें धूप में सुखा उखा कर सारे सामान मतलब उसी में रख कर फिर मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ किचन की। और देखिए इस पर काफ़ी मतलब आप डेली अगर आप किचन की क्लीनिंग करते हो तो इतने गंदे नहीं बैठते जितने 8 दिन में बैठ जाते हैं, लेकिन डेली संभव नहीं हो पाता, क्योंकि डेली का सुबह नाश्ता बनाना, फिर और भी काम होते हैं घर के, इसलिए किचन की क्लीनिंग नहीं करनी होती है, कभी मतलब कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, और घर की भी क्लीनिंग होती है, बाबू को भी देखना होता है, मतलब सारे काम हो जाते हैं, कुछ अपने भी पर्सनल काम हो जाते हैं, तो इस तरह से मतलब सारे काम हो जाते हैं। और इसी तरह से मैं मतलब इसीलिए कुछ दिन एक एक करके मैं सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ, कभी कभी तो वो भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी मैं टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सारे घर आपके क्लीन रहेंगे, और अगर आप एक दिन में सारे काम करेंगे तो प्लस आप एक तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और बाकी कुछ काम है जो आप कर भी नहीं सकते, और बच्चे को भी मतलब देखने के लिए कोई नहीं होगा, इसीलिए जब आपका बच्चा सोया रहे तो आप
मतलब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई आपके बच्चों को लेने वाला है तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन जो महिलाएं बाहर में आजकल मतलब कोई लेने वाला नहीं होता, सारे काम अकेले करती हैं, उन महिलाओं के लिए ये तरीका ठीक है। और यहाँ पे मैं बीच वाला भी रैक साफ कर ली हूँ, और इस पर जो डब्बे रखना था मैं उस पर भी रख दे रही हूँ, और जो डब्बे मुझे छाँटना है वो डब्बे मैं देखिए यहाँ पे छाँटती जा रही हूँ। मतलब जो सामान उसमें खाली हो गया है तो उसे अच्छे से धोकर फिर मैं उसमें सामान रखकर रख देती हूँ। और अगर सबसे पहले मैं उठ कर किचन की क्लीनिंग करूँगी तो मतलब खाना वगैरह कब बनाऊँगी, इसीलिए मैं सबसे पहले मतलब जो नॉर्मल रूटीन है नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, और उसके बाद की सफाई नहीं करती हूँ जो जैसा डेली करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा अच्छे से क्लीन करना होता है। और अगर मैं अभी सारे डब्बे क्लीन करने लगूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए, और बाबू भी उठ जाएगा इसीलिए मैं सारे डब्बे को क्लीन नहीं करूँगी, बस जो खाली डब्बा है उसी को क्लीन करूँगी। अब बारी आती है नीचे वाले स्लैब की, तो ये गैस वाला जो स्लैब है इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, और ये वाले तो डेली मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन ये जितना मतलब क्लीन करती हूँ उससे कई ज़्यादा ये गंदा होता है, क्योंकि इसका खाना वगैरह बनता है इसीलिए। और बाकी जितने भी मतलब किचन के बर्तन थे जूठे वो मैं नहाने से पहले धोकर उधर रख चुकी हूँ। मैं बर्तन ज़्यादा क्लीनिंग किचन में ही करती हूँ, लेकिन आज मतलब किचन को क्लीनिंग करना था इसीलिए मैं सोची कि उधर ही वाशिंग मशीन की तरफ जिधर रखती हूँ उधर ही मैं क्लीनिंग कर ली हूँ और उधर ही रख दी हूँ, ताकि उसका सारा पानी नीचे गिर जाए, और जब मैं क्लीनिंग मतलब किचन की कर लूँ उसके बाद मैं सारे बर्तन अपने अपने जगह पर रख दूँगी। और आज मतलब नाश्ता बना ही ली हूँ, साथ में मैं दोपहर का खाना भी बना ली हूँ, क्योंकि चिकन आया हुआ था तो वो मेरे यहाँ बाहर बनता है, क्योंकि घर में हम लोग के यहाँ मतलब मीट मछली नहीं अलाउ है बनाना, सास ससुर मना किए हुए हैं, क्योंकि वो पहले से गायत्री मंत्र का मतलब जाप वगैरह लिए हुए हैं इसीलिए। तो जब वो लोग नहीं खाते मतलब नहीं खाते और अंदर नहीं लाते तो उस घर में मेरा भी लाने का कोई हक नहीं बनता है, इसलिए जो इधर गाय का खटाल है उधर ही बनता है और हम लोग उधर ही खाते हैं, और उधर से ही मतलब बर्तन वगैरह क्लीन कर उधर ही रख देते हैं, क्योंकि मीट मछली का जो भी बर्तन है वो उधर ही रहता है। तो गैस की तो मतलब चूल्हा की जो क्लीनिंग हो चुकी है, अब उसके जो ऊपर वाले ये हैं सेट है उसे ना मैं मतलब रोज़ साबुन से मतलब नहीं ये करती, क्योंकि वो उसका जो ब्लैक ब्लैक है वो छूटने लगता है, इसलिए मैं कपड़े से ही उसे भी हल्का हल्का सर्फ लगा कर पोछ लेती हूँ, धो देती हूँ। और ये स्लैब तो एकदम अच्छे से धोना होता है, क्योंकि इस पर ना आटा वगैरह गिरा होता है तो ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है इसी वजह से। तो बस ये भी स्लैब क्लीनिंग हो गई, और ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाबू कब उठ जाए ये मुझे खुद पता नहीं है। और ये जो मतलब सिंक के बगल वाला जो एरिया है यहाँ पर ना मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पीने वाला पानी जो डायरेक्ट मोटर जो चलाते हैं उसी से भरा जाता है, तो पीने के लिए वही हम लोग पानी यूज करते हैं, तो वो इसीलिए उस बाल्टी में पानी रखा हुआ है और यहीं पर मैं पानी रखती हूँ, ताकि अगर थोड़ा सा अगर कोई पानी भी मतलब निकाले तो गिरे तो ये डायरेक्ट सिंक में ही जाकर गिरे, इसीलिए इस एरिया में मैं रखती हूँ। तो सारे को मैं सर्फ लगा लगा कर अच्छे से स्लैब को धो दे रही हूँ, और उसके बाद ही मैं लास्ट में डब्बे वगैरह और जो तीन चार बर्तन हैं उसे भी मैं क्लीनिंग करूँगी, और उसके बाद इस विंडो की सफाई करूँगी, यानी कि जो कि ये खिड़की है, खिड़की तो किचन में रहना संभव है ही, ज़रूरी होता है। और इसमें जो स्लाइडर लगा हुआ है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसे भी मैं हल्का हल्का सर्फ लगा कर क्लीन कर देती हूँ, और लोहे को भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ, और फिर मैं अच्छे से पानी से भी उसे पोंछ लेती हूँ। तो ये मतलब छोटा किचन है लेकिन अच्छे से सफाई हो जाती है, और ये कुछ रैक्स इधर भी हैं तो उधर उसको इधर साफ करने के बाद मैं इधर साफ कर लूँगी। अगर आप सोचेंगे कि सारे मतलब बर्तन को निकाल लूँ और सारे डब्बे को निकाल लूँ और सारे को मतलब एक साथ बारीकी से साफ़ करूँ, तो उस तरह से जिनके छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि कब उनका बच्चा उठ जाए वो भी नहीं जानते, इसीलिए। तो उधर की क्लीनिंग हो चुकी है, अब इस रैक्स की क्लीनिंग बाकी है, तो देखिए 8 दिन में काफ़ी गंदा हो जाता है मेरा रैक्स, तो इसलिए मैं इधर यहाँ पे वीडियो मैं फास्ट कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले को रैक्स को क्लीन कर ली हूँ, और फिर मैं उस पर मतलब जो दवा वगैरह है ना बाबू का वो वहीं पे रखती हूँ किचन में ही, क्योंकि अगर रूम में रखूँगी तो बाबू गिरा देता है, और कौन सी कब दवा देनी होती है मतलब वो अपने से ले लेता है, इसलिए मैं यहाँ पर किचन में सारी दवा उसकी रखती हूँ। और ये सारे बर्तन मैं अंदर जाकर रख दूँगी जो मैं पहले से क्लीन करके रख दी थी।
और सारे बर्तन को मैं अपने अपने जगह पर रख दूँगी बर्तन स्टैंड में, और सिंक के ऊपर ही मैं बर्तन स्टैंड रखी हूँ ताकि इसमें जो पानी गिरे वो मैं इसी में सिंक में गिरे, इसीलिए बर्तन स्टैंड मैं यहाँ पर लगवाई हूँ। और कहीं जगह भी नहीं था इसे लगाने का, इसीलिए मुझे यहीं पर ठीक लगा कि सिंक के ऊपर बर्तन स्टैंड होता है ना, तो सारे पानी जो उसमें से गिरते हैं वो डायरेक्ट सिंक में ही गिरते हैं, इसी वजह से। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, अब मैं सोच रही हूँ कि सारे डब्बे भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी चढ़ा दी हूँ और हल्का जो गर्म पानी कर लूँगी और उसमें सर्फ डाल दूँगी, और उसके बाद एक से मतलब सारे पानी से मतलब थोड़ा सा पानी मैं गर्म की हूँ, लेकिन इतने ही पानी से मैं सारे डब्बे धो लूँगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ गर्म पानी यहाँ पर रख ली हूँ और उसमें सर्फ मैं डाल दे रही हूँ, और इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, और जो यही पानी बचेगा फिर मैं दूसरे डब्बे में डाल लूँगी। इस तरह से आपको गर्म पानी भी कम लगेगा और आपके सारे डब्बे इसी तरह अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं एक एक डब्बा साफ़ करती जा रही हूँ और उसे पानी से भी वॉश करती जा रही हूँ। और इधर मतलब नवरात्रि वगैरह भी आ रहे हैं तो घर की सफाई तो होगी ही, क्योंकि जब कोई मतलब पर्व आता है तो उसमें घर की सफाई करनी ज़रूरी होती है। घर साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और दिन तो साफ़ सुथरा रहता ही है, लेकिन इस टाइम ज़्यादा क्लीनिंग मतलब रखने की ज़रूरत होती है। पूजा पाठ में ऐसा माना जाता है कि साफ़ सफाई से ही पूजा मतलब शुरू की जाए, इसीलिए हम लोग मतलब जब भी कोई पूजा पाठ होने वाला होता है तो हम लोग पहले से ही घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मैं घी वगैरह जो निकाली थी इसीलिए ये जार रखा हुआ है, और दो तीन दिन से ये जार मैं धो नहीं रही हूँ क्योंकि गर्म पानी की वजह से। तो आज गर्म पानी की हूँ तो इसे भी मैं धो रहे मतलब वॉश कर ले रही हूँ, और सबसे लास्ट में मैं सिंक यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। सिंक तो जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ तब भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला एरिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डब्बे मैं धो कर रख ली हूँ और इसे मैं धूप में डाल दूँगी। तो सारे रेस्ट की क्लीनिंग हो चुकी है, सारे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं, सारे डब्बे भी क्लीन हो चुके हैं। तो बस अब किचन के नीचे की बारी थी तो वो भी साफ़ हो गई है, और देखिए किचन क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा किचन दिख रहा है। और 8 दिन पर इस तरह मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ तो 8 दिन तक मतलब फिर साफ़ रहता है, लास्ट में गंदा होते होते फिर तो मैं इसे क्लीन कर ही देती हूँ। और गाइस ये है स्टोर रूम, इसमें मैं चावल आटा और मसाले वगैरह रखती हूँ जो ज़्यादा होता है सामान। और मैं अभी जा रही हूँ चावल बनाने, क्योंकि 2 बज चुके हैं और 5 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं और बाबू भी उठ जाएगा, इसी वजह से मैं चावल बना ले रही हूँ। और चिकन तो मैं बना ही ली हूँ तो इसलिए मतलब ज़्यादा खाना बनाने की टेंशन नहीं है, सिर्फ चावल बना लूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि सुबह में तो मैं तो नाश्ता बना ही ली थी और साथ में 10 बजे मैं बनाई थी चिकन, तो वो आराम से मतलब ख़राब भी नहीं होगा और चल भी जाएगा। तो इसीलिए मैं बस चावल बनाऊंगी और जब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए मैं रोटी बना लूंगी। और यहाँ पर मैं 1/2 किलो चावल ली हूँ और ये उसना चावल है, तो इसमें मैं 1/2 किलो से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा पानी इसमें डालूंगी। और कुकर में ये कुकर ना बहुत ही अच्छा है, इसे हम लोग ना फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, तो देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये मैं कुकर ना बाबू के लिए मंगाई थी दाल वगैरह बनाने के लिए, दलिया वगैरह बनाने के लिए, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा कुकर है। और इसमें ना 2 से 3 आदमी का खाना भी बन जाता है, मतलब चावल दाल वगैरह बन जाते हैं, सब्ज़ी भी मैं बना लेती हूँ छोले वगैरह। और यहाँ पर मैं फिर कपड़े उठाने आ गई हूँ, मतलब 4 बजने वाले हैं, 3:30 हो रहे हैं इस टाइम, और इस कपड़े को मैं हटा लूँगी। उसके बाद गाय भी यहाँ पर गाय रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पर कपड़े पहले सुखा लेती हूँ, और जब गाय का बांधने का यहाँ पर टाइम होता है तो सारे कपड़े मैं उठा लेती हूँ। तो सारे काम का ना मेरा मतलब टाइम टेबल बना हुआ है। और इस टाइम में तो मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं, तो वो सुबह में तो खिलाकर और अंदर बांध कर चले जाते हैं क्योंकि बाहर धूप आ जाती है इसी वजह से। और इस शाम का टाइम जो है ना मैं इसे निकाल देती हूँ और खाना भी दे देती हूँ, सारे गाय को मैं निकाल देती हूँ। गाय मतलब मारती नहीं है लेकिन सतर्क होकर ही गाय को बांधना होता है, तो और इसे खाना भी दे दूँगी। और फिर जादव जी जो दूध निकालने आएँगे फिर मैं दूध भी निकलवा लूँगी। तो सारे गाय को मैं बाहर निकाल दी हूँ और बस सारे को मैं खाना दे दूँगी, और इसकी एक बछिया भी है। और उधर मैं जो सारे डब्बे धोकर रखी थी वो मैं अंदर रख दे रही हूँ, कुर्सी पर मैं रखी थी और वो सूख चुके हैं, और उसके बाद मैं इसकी बच्चियों को भी निकाल दूँगी। तो गाय के निकालने के बाद सबसे पहले मैं इन्हें पानी पिलाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है और ये लोग आते आते बहुत सारे पानी पीते हैं, तो सबको मैं पानी बारी बारी से पिला लेती हूँ और साथ में खाना भी देती जाती हूँ। पहले मेरी मतलब यहाँ पे सास गाय रखती थी, खटाल खोली थी इसीलिए घर बना हुआ था, तो बस हम लोग गाय बाबू को दूध पीता है इसी वजह से हम लोग रखे हुए हैं। घर की दूध अच्छी मिल जाती है, बाहर से आप लोगे तो उतनी अच्छी नहीं मिलती है,
तो थोड़ी बहुत हम लोग मतलब घर में भी रख लेते हैं और बेच भी लेते हैं, तो इस तरह से दोनों काम हम लोग का हो जाता है। तो सारे गाय को खाना देने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाना खाने, जो चिकन बना कर रख के गई थी तो यहाँ पर मैं उसे ढक दी थी क्योंकि बिल्ली वगैरह ना छुए इसी वजह से। और हम लोग इधर ही खाते हैं और इधर ही बनाते हैं उपले पर। और ये देखिए मेरा चिकन बनकर रेडी है। और आप अगर ज़्यादा काम करते हैं तो भूख भी ज़्यादा लगती है, इसी वजह से मैं पहले बना ली थी। और अभी मतलब गाय का दूध निकालने वाले आएंगे जादव जी, तो इसीलिए मैं उनसे आने से पहले खा लेती हूँ क्योंकि ठीक नहीं लगता। तो बस मैं अभी खा ले रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो 5 बजे आएंगे और अभी टाइम हो रहा है 3, तो मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी तो मैं बाबू को लेकर आ गई थी खाने के लिए। वो तो नहीं खाता लेकिन थोड़ा बहुत चावल वगैरह खाता है इसी वजह से। तो गाइज आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं खाने के लिए, मम्मी और बेटा आप भी आ जाइए खाने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। और रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ चिकन का क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए बाबू खा नहीं रहा है, बस उसे मैं सामने लेकर आ गई हूँ क्योंकि घर में तो अकेले छोड़ नहीं सकती थी इसी वजह से। तो वही मैं जहाँ भी जाती हूँ जहाँ इसे साथ ले जाती हूँ, और सारे काम जब मैं कर ली थोड़ी सी आराम की उसके बाद बाबू जग गया, तो इस तरह से मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एक ही लाइन लिखिएगा लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और वीडियो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।